हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू वेल। अपन ने चार लेक्चर अपलोड कर दिए थे, ठीक है ना? तो जो फोर्थ लेक्चर था इनइक्वालिटी के बारे में था, उसके रूल्स थे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया था अपन ने, सॉल्व किया तो उस लेक्चर में के सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स का सॉल्यूशन कैसे लाते हैं, ठीक है, एक्स के सेट। तो फिर अपन अब जो ये लेक्चर है अपना, ये दिस इज फिफ्थ लेक्चर, तो इसमें अपन और एग्जाम्पल लेते हैं और सोल्व करके देखते हैं क्या कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया क्लियर करते हैं उसके बारे में, है ना। तो देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला x माइनस टू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अपने को, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। पहले तो तुमको पता है पहला स्टेप क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस टू ये वैसे ही रहेगा, x प्लस थ्री ये भी वैसे ही रहेगा, बट 5 माइनस x है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले x आता है बाद में 5 आता है, है ना। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, कल ही बताया था, x प्लस a हो या फिर x माइनस a हो, है ना, ये इस फॉर्म में लिखने का, प्लस या वो माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले x आना चाहिए, बाद में कोई भी नंबर है जो कांस्टेंट है वो आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव, इसको माइनस लगा दिया, है ना, इसका माइनस यहां पे दे दिया, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सेवन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, अब मेरे को पता है यहाँ पे माइनस नहीं आना है, माइनस नहीं लाया आपने कोई साइड, तो ये साइड माइनस हटाने के लिए दोनों जगह माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। याद रखो जब भी अपन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप अपना वन हो गया। स्टेप टू क्या था, जो भी नंबर है या जो भी अपने फैक्टर लीनियर फैक्टर है सबको नंबर लाइन पे लेके आओ। पहला कौन सा है, टू है ना, टू ले लो, है ना, सिक्वेंस के अकॉर्डिंग लो, टू फिर फाइव फिर सेवन फिर क्या है, माइनस थ्री, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, और माइनस थ्री के बाद क्या आ जाएगा, बस माइनस थ्री आएगा, टू हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, माइनस थ्री, ठीक है। सीक्वेंस में अरेंज कर दिए जैसे नंबर लाइन पे नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट चीज का देखना, इवन ब्रैकेट कहां पे, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, तो ये इवन ब्रैकेट है, इसका पावर क्या, इवन है, इसका मतलब इवन है, तो इसका मतलब क्या करो, कौन सी वैल्यू के लिए इवन है, एक्स के माइनस थ्री के वैल्यू के लिए इवन है, तो यहां पर क्या कर दो, क्रॉस पुट कर दो, क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को, सबसे राइट मोस्ट साइड कौन सा है, सबसे बड़ा रूट कौन सा है, इसमें सेवन है, तो सो सबसे बड़ा रूट है वहां पे क्या करो, प्लस साइन पुट करो, ठीक है, प्लस फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करो, अल्टरनेट प्लस माइनस कैसे, प्लस माइनस, लेकिन 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 अब देखो यहां पर क्रॉस साइन पुट किया है, तो जहां पर क्रॉस साइन पुट किया है वो उसको सेम साइन फॉरवर्ड करो, है ना, यहां पर माइनस का प्लस नहीं होगा, माइनस का माइनस ही चलेगा, इसलिए अपने यहां पे क्रॉस साइन पुट किया है, ठीक है, माइनस का माइनस ही होगा, ये याद रखो, ये गलतियां मत करो, ठीक है ना, ये माइनस आया, देखो प्लस माइनस, फिर ये क्रॉस साइन के कारण इधर माइनस ही आएगा, क्योंकि यहां पे इवन साइन का इवन का ब्रैकेट है, माइनस थ्री, तो माइनस का साइन सेम साइन फॉरवर्ड हो गया, माइनस का माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस होता था, ठीक है ना, प्लस का प्लस फॉरवर्ड, सेम साइन फॉरवर्ड करना अपने को, अगर अपने को क्रॉस दिख जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला था मैंने तुमको, ये बताया था कि लेस देन का साइन है, तो लेस देन के साइन के लिए कौन सा रीजन ऑप्ट करते हैं, लेस देन साइन के लिए कौन सा रीजन आता है, नेगेटिव रीजन आता है, तो नेगेटिव रीजन देखो कहां पे, ये अपना एक नेगेटिव रीजन है और यहां से पूरा नेगेटिव रीजन है ना, ये पूरा नेगेटिव रीजन है और ये नेगेटिव रीजन है, तो इसका एक्स का सोल्यूशन लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं एक्स का सोल्यूशन इसमें, है ना। देखो याद रखो जो डिनोमिनेटर में पार्ट है ना, फाइव और सेवन, इस पे तो हमेशा क्या आएगा, इस पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा, अगर यहाँ पे मैंने फाइव पुट कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, यहाँ पे भी अगर सेवन पुट कर दिया तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, यहाँ पे अगर फाइव पुट किया तो जीरो रहा है, सेवन पुट किया तो जीरो रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो जीरो नंबर कर रहे हैं, जीरो कौन कौन कर रहा है, फाइव और सेवन, तो जो जीरो वन बाय जीरो का फॉर्म बना रहे उनको ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, उनको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होने देना है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते अपन, और जो न्यूमरेटर में है, है ना, मैंने क्या बोला, अगर ये वाला साइन आ जाए और अगर ये वाला साइन आ जाए और अगर वो न्यूमरेटर में है ना, अगर ये वाला साइन और ये वाला साइन आ जाए और वो सब न्यूमरेटर में आ रहे, न्यूमरेटर में, तो उसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाओ,
क्योंकि वो चीज इंक्लूड हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी, कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 पुट करने के कारण ये पूरा जीरो, मतलब पूरा जीरो, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो जो ट्रू है। वैसे यहाँ पे x का वैल्यू -3 पुट किया, तो -3 पुट किया करने के बाद ये पूरा जीरो, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो जो भी ट्रू है, तो जो कंडीशन ट्रू आ रही है वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मेरा सोल्यूशन ऐसा आ जाएगा -∞ से लेके -2। अब देखो 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो उस पर क्लोज ब्रैकेट है ना, यूनियन 5 से लेके 7, तो ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। 5 और 7 पे ओपन ब्रैकेट आया, क्यों ओपन ब्रैकेट आया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी भी क्या होता है, डेंजर चीज है इनइक्वालिटी के लिए, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर के कारण ही वो एक्सप्रेशन अनडिफाइन होता है, ठीक है ना। तो सिंपल से हो गया है ना, आई होप सबको समझ गया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू मर्जी से अज्यूम कर लो और इसमें पुट करके देखो, कौन से इसमें पुट करके देखो, मान लो -3 पुट कर दो, यहाँ पे -3 पुट कर दिया, ठीक है, -3 पुट कर दिया तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो होने वाला है। इसका मतलब -∞ से -2 कोई भी वैल्यू पुट करा यहाँ पे तो वो लेस देन जीरो वैल्यू देने वाला है। 5 और 7 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 6 कंज्यूम कर लो, 6 पुट कर दो, तो देखो 6 पुट करेंगे तो 6 -2 देख लो ना, चेक करके देख लो, 6 -2 4 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 -5, देखो ना 5 और 7 के बीच की बात कर रहे हैं, तो बीच में कौन सी वैल्यू, 6 आ रही है, वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, लेकिन इनफाइनाइट टाइप का जो इंटीजर है वो ले लो तो इजी जाएगा, तो 6 पुट कर दो, 6 पुट कर दिया, 6 -5 कितना होता है 1, इंटू 6 -7 कितना होता है -1, इसका मतलब डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, मतलब 49 -36 और -36 इज लेस देन इक्वल टू 0 जो करेक्ट है, इसका मतलब करेक्ट है अपना सॉल्यूशन, है ना, 5 और 6 वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज हो गया ये इनइक्वालिटी, है ना। और एग्जांपल देखते हैं इसका, आई होप ये सबको समझ गया होगा, है ना, याद रखो ये साइन, अगर ये साइन आ गया न्यूमरेटर में तो क्लोज ब्रैकेट है ना, और ये साइन आया या ये साइन आया, ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट को इनविटेशन देना है ना। ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन दिख गया ना, इक्वालिटी का साइन, तो क्लोज ब्रैकेट आना ही है न्यूमरेटर पे।